देश और जातियों के खिलाफ नगर में बांटे जा रहे पर्चों की जांच कर एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ लोग सुभाष नगर में ऐसी पर्चे बांट रहे थे। श्रीमान, मेरा नाम लालाराम सूर्यवंशी है। कल आपने शिकायत की थी एसपी साहब के यहाँ, क्योंकि पर्चे बटे, क्या है पूरा मामला, क्या लिखा है? मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो पर्चे आप देख रहे होंगे जी, इसमें जिस भी असामाजिक तत्व के द्वारा लिखा गया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जी, और इस पर्चे को और आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जगह जगह आरी के निशान दर्शाए गए हैं जी। तो श्रीमान, यह एक देशद्रोही लोग ही ये ऐसा काम कर सकते हैं, यह देशद्रोही की श्रेणी में आता है। हमारी प्रशासन से यह मांग की गई है, जिला निर्वाचन शिकायत सेल में हमने शिकायत दर्ज की है, साथ ही उप पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए भी कल बताया गया है, और मांग की है कि इन देशद्रोहियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। कहाँ मिला था आपका पर्चा, कौन लोग बांट रहे थे? पर्चा सुभाष नगर में बांट रहे थे कुछ लोग थे, तो हमें वहीं पर मिला हुआ था ये पर्चा। आपको भी दिया था पर्चा? हाँ, तो हमने कहा भाई जनरल तौर पर होगा, जब हमने उसे गहराई से देखा तो उसमें जो भारत का नक्शा है और भारत का नाम, यह संवैधानिक नक्शा और नाम है, और इसी संबंध में हमने यहाँ पर शिकायत दर्ज की है, और अगर दो दिन के अंदर प्रशासन हरकत में नहीं आता है तो यहाँ के जो उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों को हटाने की हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग करेंगे, और इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी, भारत का अपमान सहन नहीं करेगी। शहर में कोई पर्चे बटने का मामला चल रहा है, पेपर में कुछ छपा है, क्या है उसका? शहर में कुछ पर्चे ऐसे बटने की बात सामने आई है जिसमें कि जो आपत्तिजनक पर्चे की श्रेणी में आ रहा है, और उसमें देश के संबंध में, अखंडता के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टीप है, इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, परीक्षण में है अभी, और जैसे ही इसको हम पूरी जांच कर लेते हैं तो अपराध पंजीबद्ध इसमें किया जाएगा। एक बार जांच पूर्ण हो जाए तो हम इसमें इसको सीरियसली ले रहे हैं। अभी पर्चा कैसे बांटा, किसने बांटा है और इसमें मुद्रक कौन है, इन सब चीज़ों की तस्दीक करना बहुत आवश्यक है। वो जैसे ही हो जाएगा हम कार्रवाई करेंगे।